अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज आमिर अली। आज हम चैप्टर टू के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 6। और टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सच दैट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 3, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 4 और ए डॉट बी इज इक्वल टू -5। तो डेटा लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्टूडेंट्स को डेटा बनाना आना चाहिए। तो डेटा बनाना आएगा, देन फार्मूला पता होगा, तभी नेक्स्ट प्रोसीजर होगा। तो पहले हम इसमें से डेटा निकाल लेते हैं। हमारे पास जो जो चीज़ गिविन है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है यहाँ पे ए मोड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास है 3। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मोड की फॉर्म में लिखो या ए लिखो, एक ही बात है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि ए 3 है। इसी तरह बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर बी हमारे पास 4 है और ए डॉट बी जो कि गिविन है हमारे पास -5। हमने एंगल मालूम करना है, ए पार्ट में एंगल मालूम करेंगे थीटा और बी पार्ट में हम मालूम करेंगे ए प्लस बी, ए प्लस बी मालूम करेंगे एंड ए माइनस बी। ए प्लस बी निकालना है और ए माइनस बी, ए माइनस बी का मोड, ये चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एंगल निकाल लेते हैं। तो फोर थीटा एंगल के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे, यूजिंग ए डॉट बी इक्वल ए बी कोस थीटा। यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, ए डॉट बी की वैल्यू हमारे पास -5 है, -5, ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 4 है, कोस थीटा -5 ये हो जाएगा 12 कोस थीटा, और कोस थीटा हमारे पास आ जाएगा -5, ये डिवाइड में चला जाएगा 12, -5 डिवाइड बाई 12 हो जाएगा, और इसके बाद कोस थीटा इक्वल -0.416 हो जाएगा। और यहाँ पे थीटा कोस थीटा कोस उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा -0.416, और इसका हम जब आंसर देंगे 114.6 डिग्री, ये इसका आंसर आ जाएगा, एंगल आ जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, 4 ए प्लस बी का मोड। इसके लिए फार्मूला यूज करते हैं, ए प्लस बी का मोड इक्वल अंडर रूट, ये साइड में मिटा देता हूँ, अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी वेक्टर प्लस बी का स्क्वायर, ये इसका फार्मूला है। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ए हमारे पास है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2, ए डॉट बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास -5 और प्लस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 4, तो 4 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायरिंग कर देंगे, ए प्लस बी का मोड इक्वल ये हमारे पास 9 -10 प्लस 16 और ये ए प्लस बी ये हमारे पास हो जाएगा 25, इन दोनों को प्लस कर लेंगे 25, 16 प्लस 9 25 और 10 जाएगा अंडर रूट 15, इसका आंसर आ जाएगा। तो ए क्रॉस बी हमारे पास, ए प्लस बी का मोड हमारे पास कितना आ गया अंडर रूट 15। अब हम क्या निकालेंगे, 4 ए माइनस बी का मोड, इसके लिए फार्मूला यूज करेंगे, ये मैं रफ कर देता हूं, फॉर ए माइनस बी का मोड, तो यूजिंग करेंगे फार्मूला, यूजिंग ए माइनस बी का मोड ए का स्क्वायर -2 ए डॉट बी वेक्टर प्लस बी का स्क्वायर, ये इसका फार्मूला है। सारी वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे पुट कर देते हैं, अगेन 3 का स्क्वायर -2 -5 बी की वैल्यू, ए डॉट बी की वैल्यू, और बी की वैल्यू 4 का स्क्वायर, इसका हम स्क्वायर कर देंगे
ए माइनस बी मोड इज इक्वल टू, हमारे पास 9 माइनस माइनस प्लस 10 और प्लस 16, और ये हो जाएगा हमारे पास 25 और 35। जब हम इसको सम अप करेंगे तो हमारे पास ए माइनस बी का वेक्टर आ जाएगा 35। तो ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। 7 को सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। शो दैट इसमें हमने इसको इसके बराबर लेना है, तो कंसीडर कर लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड लिख देता हूँ यहाँ पे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और ए डॉट बी का स्क्वायर। उसके बाद ये फार्मूला होता है ए क्रॉस बी, हमारे पास होता है ए बी साइन थीटा। इसी तरह ए डॉट बी का फार्मूला है ए बी कोस थीटा। पुट अबाउट, ये दोनों वैल्यू यहाँ पे ऊपर पुट कर देंगे, ए क्रॉस बी की जगह क्या आ जाएगा ए बी साइन थीटा। ये ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा का स्क्वायर और प्लस ए बी कोस थीटा का स्क्वायर। तो ये ए डॉट बी की जगह क्या आ जाएगा ए बी कोस थीटा, ए क्रॉस बी की जगह क्या आ जाएगा ए बी साइन थीटा। ये जो स्क्वायर है इन सब पे गिरेगा, ए पे भी गिरेगा ए स्क्वायर, बी पे भी गिरेगा बी स्क्वायर, साइन पे भी गिरेगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इसी तरह यहाँ पे ए पे गिरेगा ए स्क्वायर, बी पे गिरेगा बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब इनमें कॉमन आ रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये क्वांटिटी जो है बाय फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला 1 के बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे मैं 1 पुट कर दूंगा तो ये हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू 1, और जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वापस ही आ जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 2। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। प्रॉब्लम नंबर 8, इफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर और बी वेक्टर्स गिवन हुए, मतलब इफ टू वेक्टर्स, ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, और हमने ए प्लस बी का मोड मालूम करना है। तो डेटा बनाते हैं, सबसे पहले डेटा, डेटा में दो वेक्टर हमें गिवन है, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस j माइनस 2k। इसी तरह बी वेक्टर है हमारे पास i प्लस 3j प्लस k। ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, मालूम क्या करना है ए प्लस बी का मोड, ए प्लस बी का मोड ये मालूम करना है। तो ये तो दो ही चीजें गिवन है, दो वेक्टर गिवन है और ये ए प्लस बी का मोड मालूम करना है। तो सबसे पहले हमें फार्मूला यूज करना पड़ेगा, सोल्यूशन फॉर ए प्लस बी का मोड, इसका जो फार्मूला है वो क्या है, यूजिंग ए प्लस बी का मोड इक्वल अंडर रूट ए का स्क्वायर टू ए डॉट बी, ये दोनों वेक्टर हैं, और प्लस बी का स्क्वायर। तो इस ए प्लस बी को निकालने के लिए हमें यहाँ पे ये वैल्यू चाहिए, ए का स्क्वायर ए नहीं चाहिए हमें, ए का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए डॉट बी। तो हमें ये वैल्यू पहले निकालेंगे इनसे, फिर इसमें पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए डॉट बी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले 4 ए डॉट बी, ए डॉट बी कैसे निकालते हैं, यहाँ पे ए डॉट बी लिखेंगे, ए की वैल्यू आ जाएगी और ये बी की। सबसे पहले हम ए डॉट बी निकालेंगे, ए की वैल्यू पहले लिखेंगे यहाँ पे, ये वेक्टर दिया हुआ है हमारे पास 2i प्लस जे माइनस 2k। इसी तरह बी वेक्टर है i प्लस 3j प्लस k। अब ये तो पता है आप लोगों को i का कोफिशियंट i के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसका कोफिशियंट, इसका कोफिशियंट 1 है, 2 1 2 और i डॉट i। इसी तरह j का कोफिशियंट j के साथ, इसका 1 है इसका 3 है, 3 j डॉट j। इसी तरह k का कोफिशियंट k के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये k k, ये माइनस 2 और 1 माइनस 2 हो जाएगा k डॉट k। अगेन हियर i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k किसके बराबर लेते हैं, 1 के बराबर। तो a डॉट b वेक्टर 2 1 प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1,
बस ये सिंप्लीफाई करेंगे, 2 प्लस 3 माइनस 2 ये कट जाएगा, ए डॉट बी हमारे पास आ जाएगा 3, ए डॉट बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, ए डॉट बी आ गया। अब क्या निकालेंगे, ए फोर ए फोर ए, ए के लिए हम क्या फार्मूला यूज करते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं ए का, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर और प्लस ए जेड स्क्वायर। ये सारी वैल्यू को पुट कर देंगे, ये मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पे ए वेक्टर है, ए वेक्टर ये वाला है, इसके कोफिशिएंट यूज करेंगे ए इज इक्वल टू ए एक्स, आई के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो ए एक्स होता है, मतलब इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये ए वेक्टर है 2 1 और माइनस 2 इनका स्क्वायर कर देंगे, तो ए इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 और माइनस 2, माइनस साइन इवन पावर की वजह से खत्म हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और जब इन सबको 4 4 8 और 8 और 1 9 और 9 किसके बराबर होता है 3 के, ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। अब इसी तरह 4b निकालेंगे, b b का क्या फार्मूला है, b का भी यही फार्मूला है, अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, इसका फार्मूला है, b के कंपोनेंट ये b वेक्टर है, ये बी एक्स बी वाई बी जेड, इसका कोफिशियंट क्या होगा 1, इसका भी कोफिशियंट क्या होगा 1, 1 3 1 का स्क्वायर लेंगे यहाँ पे, तो b इज इक्वल टू बी एक्स 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये मजीद सॉल्व करेंगे, 1 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 और ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 11, बी की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट 11। अब ये सारी वैल्यू को इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1, तो ये भी मिटा देता हूँ, बी की वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ, बी इज इक्वल अंडर रूट 11, तो इक्वेशन 1 को यूज करता हूँ, ए प्लस बी का मोड इज इक्वल टू ए का स्क्वायर 2 ए डॉट बी प्लस बी का स्क्वायर। तो ये हमारी इक्वेशन 1 थी, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, ए की जगह क्या आएगा, ए की जगह हमारे पास 3 आया था, ए की जगह 3 लिख दूंगा, प्लस बी ए की जगह 3 आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी, ए डॉट बी की जगह भी क्या आएगा 3 3 लिख देंगे और प्लस बी, बी हमारे पास क्या था अंडर रूट 11, यहाँ पे अंडर रूट 11 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 प्लस 3 टू 6 प्लस 11, इन सबको सम अप करेंगे 9 15 और ये 9 हो जाएगा, ये 6 ए प्लस बी, ये भी हमारे पास ए प्लस बी और ये 26, इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 26 आ जाएगा, तो ये 26 इसका आंसर है। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 8 को। प्रॉब्लम नंबर 8 है डिटरमाइन द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर जो है वो मालूम करना है हमने, दो वेक्टर से मिलकर क्या बन रहा है, एक प्लेन बन रहा है, तो यहाँ पे दो वेक्टर्स जो है यहाँ पे, ये जैसे यहाँ पे ये एक प्लेन है, ये इसका सरफेस एरिया, तो ये ए वेक्टर है और ये क्या होगा बी वेक्टर होगा इसका, अगर इस पे ये मार्कर को मैं खड़ा कर दूं तो ये तीसरा वेक्टर सी वेक्टर होगा, जो कि तीसरा वेक्टर ए और बी की वजह से जनरेट होगा, तो ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, तो ए बी की तरफ जब जाएगा तो तीसरा वेक्टर ऊपर की तरफ होगा और वो यूनिट वेक्टर हमने मालूम कर, तो इस सबसे पहले हम डेटा बना लेते हैं, ए वेक्टर दिया हुआ है ये बी वेक्टर दिया हुआ है, तो ए वेक्टर आ जाएगा हमारे पास ए वेक्टर 2y 6j 3k, इसी तरह b वेक्टर दिया हुआ है 4i plus 3j minus k, ये a वेक्टर था ये b वेक्टर था और यूनिट वेक्टर को हम स्मॉल लेटर से शो करते हैं, यूनिट वेक्टर हमने मालूम करना है, तो सॉल्यूशन इसका फार्मूला क्या होगा 4 यूनिट वेक्टर यूजिंग यूनिट वेक्टर का फार्मूला होगा
क्रॉस बी डिवाइड बाय ए क्रॉस बी का ही मैग्नीट्यूड, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, वन। तो हमने कुछ नहीं करना, बस यूनिट वेक्टर के लिए ए क्रॉस बी निकालेंगे, वो मैंने पहले निकालना सिखा दिया है, और मैग्नीट्यूड भी निकालना आता है। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं, फोर ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के लिए फार्मूला यूज करेंगे ए क्रॉस बी आई जे के। यहाँ पे पहले क्या लिखते हैं, आई ए के कोफिशिएंट, पहले ए वेक्टर लिखा हो, ए के कोफिशिएंट क्या है, टू माइनस सिक्स थ्री, माइनस थ्री, टू माइनस सिक्स माइनस थ्री। उसके बाद बी वेक्टर लिखा हुआ है, बी वेक्टर के कोफिशिएंट लिखेंगे फोर थ्री माइनस वन, फोर थ्री माइनस वन। उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, एक्सपेंड एक्सपेंड बाय आर वन, इससे एक्सपेंड करते हैं इसको हम ए क्रॉस बी, पहले हम आई लिखते हैं, फिर जे लिखते हैं, और फिर प्लस के लिखते हैं। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे, और आई जो है ये तो मैंने पहले बताया हुआ कि आई आप नहीं लिखेंगे, आई नहीं लिखेंगे, और जे के नीचे वाले कंपोनेंट टू फोर नहीं लिखेंगे, तो यहाँ आएंगे माइनस सिक्स माइनस थ्री, थ्री माइनस वन। इसी तरह यहाँ पे क्या कंपोनेंट्स आएंगे हमारे पास, जे बाहर है माइनस जे लिखते हैं, जे के नीचे वाले माइनस सिक्स और थ्री नहीं लिखेंगे, यहाँ आएंगे टू फोर माइनस थ्री माइनस वन। तो यहाँ पे लास्ट में के, के की वजह से के बाहर है, के नीचे वाले कंपोनेंट नहीं लिखेंगे, माइनस थ्री माइनस वन नहीं लिखेंगे, ये कंपोनेंट लिखने पड़ेंगे टू फोर, टू फोर माइनस सिक्स और थ्री, ये हमने कंपोनेंट लिख दिए। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ए क्रॉस बी आई, इन दोनों को पहले करेंगे तो ये सिक्स हो जाएगा, और इन दोनों को थ्री थ्री जा नाइन, माइनस का नाइन, सेकेंड को मल्टीप्लाई करते हुए साइन को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। उसके बाद ये माइनस जे हो जाएगा, माइनस जे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू, और ये फिर अगेन माइनस ट्वेल्व हो रहा है, लेकिन हम इसको क्या लिखेंगे, प्लस का ट्वेल्व, फिर प्लस का के, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे थ्री टू जा सिक्स आ जाएगा, सिक्स और प्लस ट्वेंटी फोर, तो सिक्स फोर से ट्वेंटी फोर, माइनस ट्वेंटी फोर हो जाएगा सिक्स प्लस ट्वेंटी फोर। इसके बाद हम इसको सम अप कर देते हैं, ये फिफ्टीन हो जाएगा, फिफ्टीन आई सिक्स प्लस नाइन फिफ्टीन, और ये बचेगा माइनस जे टेन बचेगा, और ये प्लस थर्टी के। उसके बाद ए क्रॉस बी हमारे पास आ जाएगा फाइनली, ए क्रॉस बी फिफ्टीन आई माइनस टेन जे और प्लस थर्टी के, ये हमारे पास ए क्रॉस बी का वेक्टर आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो फॉर एक, फॉर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, कोफिशिएंट का स्क्वायर लेते हैं, जब भी मैग्नीट्यूड लेते हैं तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इनके जो कोफिशिएंट, ए क्रॉस बी आई का कोफिशिएंट, जे के कोफिशिएंट को स्क्वायर में लिखेंगे, तो 15 का स्क्वायर लेंगे प्लस 10 का स्क्वायर लेंगे माइनस 10 का स्क्वायर लेंगे प्लस 30 का स्क्वायर लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसका स्क्वायर लेंगे 225, 10 का स्क्वायर 100 प्लस ये कितना हो जाएगा 900, इसको सम अप करेंगे तो 1225 हो जाएगा, और जब हम इसका रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 35 इसका आंसर आ जाएगा, ए क्रॉस बी, और ये हमारे पास, ये सारी वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब इनको कहाँ पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन वन, तो इक्वेशन वन ये ही हमारे पास, इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में हम यहाँ पे ये सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे, तो ये जो है इक्वेशन वन यूनिट वेक्टर, ए क्रॉस बी की जगह ये वैल्यू आ जाएगी, और ए की जगह यहाँ पे 35 आ जाएगा, ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड की जगह, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं यूनिट वेक्टर, ए क्रॉस जो बी है उसकी जगह 59 माइनस 10 जे प्लस 30 के लिखूंगा, 15 i माइनस 10 जे प्लस 30 के, और उसके बाद जो नीचे है 35 आएगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या है 35, तो यूनिट वेक्टर 15 i माइनस 10 जे प्लस 30 के। इसके बाद एलसीएम ब्रेक कर दूंगा, 35 इसके नीचे अलग, 35 इसके नीचे अलग,
35 इसके नीचे अलग। अब इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, ये 5 के टेबल से जाएगा, 5 3 जा 15 और 5 7 जा 35, ये 3 डिवाइड बाय 7 आई। इसी तरह 5 2 जा 10, 5 7 जा 27, 2 डिवाइड बाय 7 जे। इसी तरह ये 5 6 जा 30 और 5 7 जा 35, तो ये 6 डिवाइडेड बाय 7, ये इसका क्या है, यूनिट वेक्टर आ गया, ये इसका यूनिट वेक्टर है। और ये जितने भी न्यूमेरिकल करवाए हैं ये बोर्ड के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रैक्टिस करना। और आई होप कि ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें, मुझे सपोर्ट करें, आप लोगों की सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़।